अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुबई की शहजादी लतीफ़ा प्रिंसेस लतीफ़ा की एक वीडियो रिलीज़ हुई जो बीबीसी को खुफिया तौर पर मुहैया की गई है और बीबीसी ने इसको अपने एक प्रोग्राम में रिलीज़ किया है। वीडियो मुबैना तौर पर शेखा लतीफ़ा ने एक बहुत बड़े विला जिसको उनके लिए जेल बना दिया गया है उसके बाथरूम में रिकॉर्ड की है। इस वीडियो के कंटेंट क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, उससे पहले हम आपको शेखा लतीफ़ा के बारे में बताते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। कि ये दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की साहबजादी हैं जो दुबई के हुक्मरान हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म भी हैं। इनकी वालदा हूरिया अहमद लमारा हैं जिनका ताल्लुक अल्जीरिया से है। इनकी और भी बहुत सारी बहनें हैं। ये शेखा लतीफ़ा ज़ाहिर एक शहजादी थी, इन्होंने शहजादियों की तरह ज़िंदगी गुजारी। इनकी आला तालीम का उन्होंने एहतमाम किया, इंग्लिश स्कूल में ये पढ़ी, फिर इंटरनेशनल स्कूल में इन्होंने तालीम हासिल की। इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोलती हैं। 2018 में शेखा लतीफ़ा ने दुबई से फ़रार की कोशिश की। उन्हें अपनी एक मगरबी दोस्त जिसका नाम टैना जोहैनन है उनके साथ मिल के पहले दुबई से कार में ओमान गई और वहाँ से वो एक किश्ती के ज़रिए जो एक फ्रेंच इंटेलिजेंट ऑफिसर हावे जोबर्ट उसके क्रू थे उसके साथ उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। इस समुद्री सफर के दौरान ही उन्होंने वहां से इंग्लैंड के एक वकील डेविड हेग को अपने सफर के बारे में बताया और साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इन्होंने अपने फरार की कुछ तस्वीर भी शेयर की और उसके साथ ये भी बताया कि किन हालात की वजह से वो दुबई से फरार इख्तियार कर रही है और किस वजह से वो दुबई को छोड़ रही है। जब उनकी किश्ती समुन्दर में जा रही थी तो इस दौरान दुबई की हुकूमत ने इंडिया की हुकूमत से तावन मांगा और इंडिया की हुकूमत के तावन से उनकी किश्ती को रोकेट किया गया और फिर उनकी किश्ती और उस किश्ती को चलाने वाले और उनकी कजन सब को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर इंटरनेशनल मीडिया में 2018 में आई थी और उसके बाद शेखा लतीफ़ा के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ हैं, वो किस हालत में हैं। इंसानी हकूक की मुख्तलिफ तंजीमात और नुमाइंदगान की तरफ से उनके बारे में आवाज़ बुलंद होती रही, मुख्तलिफ अखबारात में और टेलीविजन चैनल्स पर खबरें आती रहीं कि शेखा लतीफ़ा गायब हैं, उनकी कोई खबर नहीं है, वो दुबई में कैद की ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनको मार दिया गया है या वो ज़िंदा हैं, इसके बारे में भी चेम मोगियाँ होती रही हैं। लेकिन बहरहाल दुबई की तरफ से उनकी ज़िंदगी के हवाले से या उनकी कैद के हवाले से कोई ख़बर रिलीज़ नहीं की गई और पूरी दुनिया इस हवाले से परेशान थी और दुनिया के मुख्तलिफ अदारे इस बारे में चेम मोगियाँ कर रहे थे कि क्या शेखा लतीफ़ा ज़िंदा भी हैं या वो किसी कैद में हैं। तो इस तनाजर में शेखा लतीफ़ा की जो ताज़ा तरीन वीडियो है ये बहुत अहमियत की हामिल है। इस वीडियो के बारे में शेखा लतीफ़ा ने मुबैना तौर पर यह कहा है कि उन्होंने इस वीडियो को अपने उस विला या महल जिसमें उन्हें कैद किया गया है उसके बाथरूम से इसको रिकॉर्ड किया है, चूँकि उनके पूरे महल में सिर्फ एक ही वो कमरा है जिसको वो लॉक कर सकती हैं, जिसको अंदर से बंद कर सकती हैं। इस वीडियो को उन्होंने एक दिन नहीं बल्कि मुख्तलिफ दिनों में रिकॉर्ड किया, चूँकि इनको मोबाइल कहीं से मुहैया किया गया था तो उस मोबाइल के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्ड करती रही हैं, अपनी सिचुएशन बताती रही हैं, अपनी सूरत हाल बताती रही हैं कि मैं कैद हूँ, मुझे यहाँ पर किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, मेरा किसी से रब्ता नहीं है, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, मुझे ये कहा जा रहा है कि मैंने पूरी ज़िंदगी अब इसी महल में गुजारनी है, मैं कभी आज़ादी नहीं पा सकूँगी, मैं कभी आज़ाद सूरज नहीं देख सकूँगी और मैं इसी महल में ही बाकी ज़िंदगी गुजारूँगी, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। और इस तरह के उन्होंने पैगाम मुख्तलिफ दिनों में कई महीनों तक वो रिकॉर्ड करवाती रही हैं और वो एक वीडियो उन्होंने तैयार की है और वो वीडियो बीबीसी ने रिलीज की है। शेखा लतीफ़ा की इस वीडियो को रिलीज करने में इनके करीबी दोस्त टैना जोहैनन और इनके कजन मार्कुस एज़बरी और कंपेनर डेविड ह्यूज ने अहम किरदार अदा किया है, लेकिन ये तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी कि इन लोगों को शेखा लतीफ़ा ने ये वीडियो महल से किस तरह पहुँचाई है। यकीनन ये अहम सवाल है जो इस वक्त दुबई में उठाया जा रहा होगा और दुबई का हुक्मरान खानदान इस सवाल की वजह से बहुत परेशान होगा। बीबीसी को इस वीडियो की फराहमी के बाद ये एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है, पूरी दुनिया के मीडिया में इसको हाईलाइट किया जा रहा है, यहाँ तक कि अक्वामे मुत्तहिदा ने भी इस सिलसिले में जो फ्री लतीफ़ा कैंपेन के हेड हैं डेविड हेग जो यूके में मुकीम हैं उनसे राबता किया है और उन्हें कहा है कि इस वीडियो की फुटेज हमें फराहम की जाए ताकि हम इसकी तहकीक कर सकें। और अक्वामे मुत्तहिदा ने यह भी बयान जारी किया है कि हमने दुबई को और मुत्तहिदा अरब अमारात को ये कहा है कि शेखा लतीफ़ा
کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ہمیں فوری طور پر بتایا جائے۔ لز روسل جو سپوکس مین ہیں اقوام متحدہ یونائٹیڈ نیشن کمشنر فار ہیومن رائٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس صورتحال کا قریبی جائزہ لیتے رہیں گے اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ دبئی میں مقیم یہ جو قیدی ہے اس کی صورتحال سے ہمیں آگاہی ہو اور اس کے ویل بینگ کے لیے ہم ضروری اقدامات کریں۔ اس حوالے سے وکیل روڈنی ڈکسن، جنہوں نے اس سے پہلے پرنسس لطیفہ کا کیس اقوام متحدہ میں پیش کیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس بات کی اب امید ہے کہ اقوام متحدہ کی تحقیقات کی وجہ سے اب فیصلہ کن صورتحال پیدا ہوگی اور پرنسس لطیفہ یا شیخہ لطیفہ کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کو اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے اور براہ راست انہیں رابطہ کرنا چاہیے دبئی کی حکومت کے ساتھ اور دبئی کے حکمران خاندان کے ساتھ، تاکہ شیخہ لطیفہ یا پرنسس لطیفہ کی آزادی کے لیے ضروری ایگریمنٹ کیا جا سکے۔ دنیا کے کسی اور ملک میں اس طرح کی صورتحال ہوتی تو یقیناً اس وقت پوری دنیا کی حکومتیں متحرک اور فعال کردار ادا کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن چونکہ یہ دبئی ہے جہاں بہت سارے دنیا کے انٹرنیشنل پاور کے انٹرسٹ ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں اور دبئی کے حکمرانوں کی انویسٹمنٹ ہیں مختلف مغربی ممالک میں، لہٰذا ابھی تک امریکہ کی طرف سے یا یو کے کی طرف سے کو بہت زیادہ سخت موقف سامنے نہیں آیا۔ یو کے جو فارن سیکرٹری ڈومنک راب ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے جو بیان دیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہیں ان کا کلوزلی مشاہدہ کر رہے ہیں، قریب سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس بارے میں فکر ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو انتہائی پریشان کن ہے، جس میں ایک نوجوان خاتون ایک مشکل میں اور ایک سٹریس میں ہیں، یہاں تک تو انہوں نے بات کی ہے لیکن اس سے بڑھ کے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کریں گے۔ لہذا یہ بات تو یقینی ہے کہ دبئی کے حکمران خاندان کو شہزادی لطیفہ کی اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے اوپر کافی بوجھ ہے، لیکن اس حوالے سے کیا وہ شہزادی لطیفہ کو آزاد کر دیں گے، اس کو ریلیز کر دیں گے یونائٹیڈ نیشن اور اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے سامنے، کیا وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے، یا یہ معاملہ بھی کچھ دن میڈیا میں رہنے کے بعد اسی طرح پسے پش چلا جائے گا جس طرح دیگر کے اس طرح کے معاملات چلے جاتے ہیں، اس بارے میں تو آنے والا وقت بتائے گا۔ دبئی کے اسرائیل سے حال ہی میں قائم شدہ تعلقات اور اسرائیل کے امریکہ اور مغربی ممالک پر جو اثرات ہیں، اس کے نتیجے میں اس بات کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ دبئی کے اوپر کوئی بہت بڑا پریشر ڈیولپ ہوگا، لیکن بہرحال اگر حکومتوں کا پریشر نہیں بھی ہوگا تو ایک پبلک اوپینین کا اور میڈیا اوپینین کا ایک بڑا پریشر دبئی کی حکومت کے اوپر شیخہ لطیفہ کے حوالے سے رہے گا۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھیں جو شیخہ لطیفہ کے حوالے سے ہم نے آپ سے شیئر کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ مختلف انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر اور اہم عالمی خبروں کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کرنے کا سلسلہ اس چینل سے جاری رہے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔